नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा डीपी प्लान घोषित किया गया है, मगर इस डीपी प्लान को लेकर लोगों में जन जागृति नहीं है और इसीलिए लोगों में जन जागृति करने हेतु पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में नवरात्रि के 9 दिनों तक नवी मुंबई के विभिन्न नोड में जन जागृति अभियान चलाया गया और आज एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण दशरथ भगत के माध्यम से वाशी स्थित शिवाजी चौक में किया गया, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले ऐरोली स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन जाकर उनके प्रतिमा को अभिवादन कर की। इसके बाद उन्होंने वाशी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर की एवं अनशन की शुरुआत की। उन्हें समर्थन देने के लिए विधायक गणेश नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक एवं ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक मौजूद थे, जिन्होंने यहां लगाए गए प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके बाद यहां एक पथनाट्य आयोजित किया गया था एवं दशरथ भगत द्वारा विधायक गणेश नाइक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। गणेश नाइक ने इस दौरान कहा कि दशरथ भगत माइक्रो लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति है एवं आज सिडको के पास एक कमाने वाली संस्था के रूप में देखा जा रहा है। पालिका एवं सिडको के इसी नीति के खिलाफ दशरथ भगत ने अपना मोर्चा खोला है। दशरथ भगत हे अतिशय माइक्रो लेवल वर समस्यांचा अभ्यास करणारा एक नेतृत्व आहे। ज्या वेळेला त्यांच्या लक्षात आलं की सिडको ही चतुरस्थ विचार न करता फक्त त्या ठिकाणी पैसे कमवण्याचीच एक संस्था म्हणून त्या ठिकाणी काम करू इच्छिते, त्यावेळेला त्यांनी ह्या गोष्टीवर निश्चितपणे एक प्रकाश टाकला। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की विधानभवनामध्ये मी या भूखंडाविरुद्ध बोललो, किंबहुना मूल गावठाण, गरजेपोटी बांधलेली घरे, 12.5% असलेलं बांधकाम, LIG मध्ये बांधकाम, झोपाट्यातलं बांधकाम, मी त्याशी म्हटले की बा आमच्या 7-12 उतारावर आमचं नाव होतं, आज तुम्ही आम्हाला भाड्याने त्या ठिकाणी जागा देणार असाल तर आम्ही कायमचे भाडेकरू राहू अशी तुमची इच्छा आहे का? आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे, नुसत्या गाववाल्यांकरता नाही तर शहरामध्ये राहणाऱ्या कॉलनीतल्या लोकांची जी काही
भाडेकर म्हणून गन्ना सिडकोनी केली ती पण नेस्तनाबूत करून त्या ठिकाणी त्यांना सुद्धा मालक बनवा, झोपडीत राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा मालक बनवा. आणि अशा प्रकारची ही एक प्रकारची म्हणजे व्यापारीगिरी चालली असताना 500 स्क्वेअर मीटरच्या वरचे भूखंड विकण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्याच्यावर मी कराडून हल्ला केल्यानंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री आत्ताचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी त्याला स्थगिती दिली, चांगली गोष्ट केली. आगे उन्होंने ये भी कहा कि दशरथ भगत के आंदोलन के विषय में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से चर्चा कर दशरथ भगत के विचार सुविचार में बदलने का प्रयास करेंगे. दशरथ जी भगत यांनी हे जे जागृति अभियान सुरू केलेले आहे डीपी च्या धोरणाविषयी, त्या अनुषंगाने लवकरच माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या दोघांच्या समवेत बैठक घेऊन यामध्ये जो अधिकाऱ्यांनी केलेला विचार हा सुविचारामध्ये निर्माण करण्याकरता प्रयत्नशील राहणार आहे. पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत ने कहा कि इस अभियान के विषय में उन्होंने नवी मुंबई के 9 नोड में जन जागृति की एवं डीपी प्लान को लेकर नवी मुंबई की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया. नवरात्रि जो 9 दिन होता है, नवरात्रि के 9 दिन होता है, वो जो हम बोलते हैं कि जी इस दुनिया में एक नवदुर्गा ने जो अयोग्य विचार है, गलत विचार को, गलत विचार से साथ महिषासुर हम बोलते राक्षस है, लेकिन वो आज हम बोलते कि जो गलत विचार है वो गलत विचार, और आज दशहरा है, आज रावण वध, जो राम ने रावण का वध किया, और नवदुर्गा दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, लेकिन वो एक विचार है, एक विचारधारा है. यही विचारधारा जो इस लोकशाही में, वही जो गलत विचारधारा है जो लोक के विरुद्ध में, जनहित के विरोध में हो रहा है, वो विचारधारा को ख़त्म करने और लोग भाव निर्मात जागृत हो, लोग भाव का जो दया भाव है वो विचार जागृत हो, इसीलिए 9 दिन का वो अभियान और 1 दिन दशहरा का ये उपोषण, ऐसे 2 विचार गलत विचार है, और गलत विचार को एक रामजी ने, श्री राम ने वहाँ उसको ख़त्म कर दिया, एक आदिमाई शक्ति ने ख़त्म किया. बस यही हिसाब से जो नई मुंबई महापालिका में जो लोग रह रहे हैं उसको सब सुविधा मिलना चाहिए, वो गार्डन हो, उद्यान हो, पार्किंग हो, समाज मंदिर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो कुछ सुविधा है, वो जॉगिंग ट्रैक हो, सब सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन कभी मिलेंगे जब ही उसको जमीन रहेगी. तो आखिर उन पर अनशन करने की नौबत क्यों आई, इसकी जानकारी भी दशरथ भगत ने दी. प्लानिंग नियोजन डीपी प्लान है, जो डेवलपमेंट प्लान ने किया है, वो प्लान में वो जीवित रहे, वो जो हमारी सुख सुविधा रखने के लिए, रहने के लिए जो जमीन रहे तो हम रहेंगे, वो जमीन रहने के लिए, वहाँ जमीन आरक्षित करने के लिए, रिजर्व करने के लिए लोगों की जन जागृति होना जरूरी है कि हमारा हक के लिए जमीन रहना चाहिए. इसीलिए ये उपोषण है और वो अभियान हमने 9 दिन किया है, ऐसा टोटल 10 दिन किया है, और हमें एक खुशी है कि लोगों को समझ रहा है कि जब इस डीपी में हमारे बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए जब जमीन नहीं रहेंगे तो हम यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, हमारा सुख सुविधा नहीं रहेंगे. लोगों को जानकारी हो रहा है, लोगों के अंदर कल्पना हो गया, सवाल उठ रहे हैं, वो खुशी है. मेरी जीत या सपोर्ट का बात नहीं है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, जो मुद्दा हमने ले लिया है, वो जो जनहित का मुद्दा ले, ये जो प्रारूप विकास आरा खड़ा है, वो कैसा उन्हें छुपा के रखा है, वो हमने उसको उजागर किया है. ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा को सपोर्ट किया है. ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो.